रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में। रिश्तों की कुछ बुनियाद होती है, हमारा परिवार, हमारे संस्कार, हमारा समाज इस बात की इजाजत नहीं देता कि किस किसी का रिश्ता हुआ। अरे प्यार दो तरफा होता है, कितनी बार कहूं आपसे, आपने एक भी बार ध्रुव से पूछा, अपनी बिटवा से पूछा? इनमें आत्मा कहां से फूकोगे? आप माँ है ठीक है, लेकिन आपको ध्रुव से पूछना चाहिए। कह दिया आपको जो कहना था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो कहना है कहते रहिए। पहले आपने फैसला किया था और अब ये हमारा फैसला है और हम उसे बदलने वाले नहीं है। बस किसका फोन देखकर सृष्टि इतना घबरा गई? हम बस अभी आते हैं। सृष्टि रुको बेटा, यहाँ आओ, फोन हमें दो। अब बताओ तुम्हें कोई दिक्कत है ध्रुव से शादी करने में? सृष्टि वहां क्या देख रही हो? जवाब तो जो पूछा है उसका। तुम तैयार हो ना ध्रुव से शादी करने के लिए बेटा? तो पता नहीं किसका फोन है। वाणी फोन उठा के बोलो कि सृष्टि अभी व्यस्त है, बाद में बात करेगी। जी वाणी, एक मिनट। सृष्टि बोलो बेटा, तुम्हारी क्या राय है? बड़ों के सामने हम क्या बोले, हमें आप सब पे बहुत विश्वास है। अब जो भी फैसला लेंगे उसमें हमारी भलाई जरूर होगी। पिछली बार भी हमारे मम्मी पापा ने ध्रुव जी के साथ हमारी शादी तय की थी और अब हमारे मम्मी पापा, हमारे घर वाले आप सब ही हैं। आप जो भी फैसला लेंगे हमें मंजूर है। हेलो, मैं बोल रही हूँ। फोन किया था तुमने? हाँ किया था। उस वक्त हमारा फोन क्यों नहीं उठाया? और कितनी बार कहा है तुमसे सिर्फ हम तुम्हें फोन करेंगे, तुम नहीं। किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हम तुम्हारे साथ मिले हुए हैं, समझी? हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, कल शाम को ठीक 7 बजे हमें होटल पोल में मिल लो। उस गाड़ी को कैसे गायब करना है ये बात तुम्हें बतानी है।
बच गए। अब आए, हम तो डर ही गए थे। क्या? मैंने अभी खुद सुना, सृष्टि किसी से किसी गाड़ी को गायब करने की बात कर रही थी। अरे ओ, सृष्टि अभी जिससे भी बात कर रही थी वो उसे कल शाम 7 बजे होटल पर, हाँ वहीं पे मिलने वाली है। वानी फिर तो जल्द से जल्द हमें इन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। हमारा इकलौता मौका है बेगुनाही साबित करने का। अच्छा सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम एक दूसरे से बात करते हैं। हाँ धानी, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, बाय। कमाल है। वाकई आज तक हमने आप जैसे माँ बाप नहीं देखे जो अपनी बेटी की मौत की दुआएं मांग रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज भी हम यही चाहते हैं कि आप सब हमारी शादी में शामिल हो। और इसीलिए ना पापा, हम मिठाई लाए हैं। ये लीजिए, खाइए ना, खाइए ना। सृष्टि, इससे पहले कि हम तुझे घर से धक्के देके निकालें, निकल जा इस घर से। पापा शांत हो जाइए, ना गुस्सा ना अच्छा नहीं होता, आपकी सेहत बिगड़ सकती है। क्या है ना, हम तो बस अपने शादी का शगुन लेके आए थे, लेकिन आप हो कि खैर छोड़िए। पहले तो हम ये कहने आए थे कि हमारी शादी में आप हमारा कन्यादान कीजिए, लेकिन अब हम आपसे ये कहेंगे कि ऐसे मम्मी पापा होने से बेहतर है कि हम अनाथों की तरह शादी करें। शादी तो तू तब करेगी ना जब हम तुझे जिंदा छोड़ेंगे। जान ले लेंगे हम तुम्हारी, मार डालेंगे तुम्हें, मार डालेंगे, जान से मार डालेंगे तुम्हें, मार देंगे, मम्मी मार देंगे। मम्मी क्या कर रही है? मम्मी क्या कर रही है? जान लेने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान है ना, उनके किए की सजा वो देंगे। शांत हो जाओ। ये करेंगे इंसान? अरे ये तो खुद पत्थर की मूरत बन के बैठे। और इसे देख ना, सब कुछ होने के बाद भी इसके मुंह पे इतनी सी शिकन नहीं है। सारी खुशियां इसे ही मिली है। बिल्कुल सही कहा आपने, सारी खुशियां बस हमें मिली। इसे देखिए, हमारा सुखी परिवार, प्यारा सा परिवार। भाई हमें तो यकीन ही नहीं होता, जिस माँ ने हमें पैदा किया वो हमें मारने की बात करती है। हमारा चेहरे देखे बिना जिनकी सुबह नहीं होती थी, आज हमें देखे उन्हें चैन आती है। अपना समझकर हम आपके पास आए थे, लेकिन आप लोगों ने ना अपनी असलियत दिखा दी। आप हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं ना, तोड़िए, हमें भी ना कोई दिलचस्पी नहीं है। आज के बाद हम आप सबके लिए मर चुके हैं और आप हमारे लिए मर चुके हैं। आज के बाद ना ही हम आपकी शक्ल देखेंगे और ना ही आप हमारी। हम
जब वो खुद ही चली गई, वरना जब उसकी जान ले लेते। मम्मी मम्मी नहीं नहीं, बिल्कुल शांत हो जाए। इतना गुस्सा नहीं करते माता रानी, उनको बैठो पानी लेकर आते। बेटा तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, डॉक्टर ने भी टेस्ट कराने के लिए कहा था, तुम चलोगी ना शाम को हमारे साथ? हाँ बिल्कुल, कितने बजे चलना है? 6:30 बजे। सृष्टि अभी जिससे भी बात कर रही थी वो उसे कल शाम 7 बजे होटल पोल वहीं पे मिलने वाली है। मम्मी वो क्या है ना, एक जरूरी काम है हमें, पर आप चिंता मत कीजिए, पापा को लेकर जाइए, हम आपको पैसे देते हैं। ये पापा के टेस्ट करवा दीजिएगा। इतने पैसे तेरे पास? दरअसल वो ऑफिस के बाद पापड़ अचार की डिलीवरी की थी हमने, तो उससे कुछ पैसे मिल गए। अरे मम्मी, मैं ना हमेशा चिंता रहती थी तुम्हारी कि तुम अपने आप को कैसे संभालोगी, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने ना सिर्फ खुद को बल्कि हमें भी संभाल लिया। हमें पूरा विश्वास है इस लड़ाई में जीत तुम्हारी ही होगी। हमें भी पूरा विश्वास है बेटा, जीतेगी तू ही। ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ध्रुव जी, हम जानते हैं हम दोनों को इस रिश्ते में बांधा जा रहा है जिसमें हम दोनों इतना सहज नहीं है, लेकिन ध्रुव जी आप हमारी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, शादी के बाद हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम धानी से नफरत करते रहना और हम तुमसे प्यार। हम आप पर कोई हक नहीं जमाएंगे, सबके दोस्त बनकर हमेशा आपके साथ रहेंगे। आखिर दोस्ती प्यार की पहली सीढ़ी होती है और दोस्त सबसे अच्छा जीवन साथी। हमें एक कमरे में रहने की भी जरूरत नहीं है ध्रुव जी, क्योंकि शादी के बाद हम आपके दिल में अपने लिए जगह बना ही लेंगे। हम आपको हमारी हिम्मत कैसे हुई हमें फोन करने की? अरे आपकी शादी हो रही है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? हम तो आपको विश करने के लिए फोन किए थे। आखिरकार आप जो चाह रहे थे वो तो हो ही गया ना। बकवास बंद करो अपनी, समझी? बकवास हम कर रहे हैं? अरे शादी तो आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम बकवास कर रहे हैं? किसका फोन है ध्रुव जी? क्या बात है, दीदी भी वही है क्या आपके साथ? जरा फोन स्पीकर पर लगाइए ना, हमें उन्हें भी विश करना है।
लो। शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं दीदी। आखिरकार आपकी सालों की मेहनत रंग लाई। वैसे ध्रुव जी, हमसे अगर मन उठ ही गया था तो हमें पहले ही बता देते ना। हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर घर से बाहर निकालकर हमारी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? हमारी दीदी तो पहले से ही आपके पीछे पड़ी हुई थी, और अगर आपको भी उनसे प्यार हो गया था तो हमें बता देते, हम हट जाते रास्ते से। वैसे हमें तो तभी समझ जाना चाहिए था जब आपने हम पर इल्जाम लगाकर हमें घर से बाहर निकालकर दीदी को अपने साथ रखकर अपनी रंगरलिया शुरू कर दी थी। रॉकी तो चला ही गया था, और हमें बाहर निकालकर, हमें सबके सामने विलन बनाकर आप दोनों ने क्या चाल चली है। एक हो गए आप दोनों, किसी को पता तक नहीं चला। चुप, बिल्कुल चुप। क्यों? कौन सा पहली बार ऐसा हो रहा है कि जीजा और साली का चक्कर चल रहा है? आम बात है, ये होता रहता है। और वैसे भी आपको और दीदी का तो बड़ा पुराना रिश्ता है ना। वैसे क्या बात है ध्रुव जी, आपने तो हमेशा दोनों हाथों में लड्डू रखे, एक में बड़ी बहन, एक में छोटी बहन। जब जिसके साथ मन किया उसके साथ खेल लिया। आपके जैसा मर्द तो हो ही नहीं सकता। जबान को लगाम दो तानी, वरना जबान खींच लेंगे तुम्हारी हम। हाँ तो खींच लीजिए, कौन मना कर रहा है, कौन रोक रहा है आपको? अपना ये शौक भी पूरा कर लीजिए आप। ठीक है, एक काम करो, अपना एड्रेस बताओ, बताओ कहाँ हो तुम। वो तुम्हारा सच झूठ एक बराबर करते हैं, बताओ। हम क्यों बताएं? आपको बदला लेना है ना, आप आके ढूंढिए, वरना आराम से अपनी सृष्टि के साथ बैठे रहिए, रोमांस कीजिए, हमें क्या। दानी, तुमने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया? इतना जरूरी था वानी? हमारे रिश्ते के टूटने का दर्द सिर्फ उन्हें ही नहीं, हमें भी है, पर उन्हें इस बात की कदर तक नहीं। और वैसे भी उन्हें घर से बाहर निकालने का ये सबसे अच्छा तरीका है। हम पर गुस्सा होकर वो हमें ढूंढने निकलेंगे, तब तक दीदी को मौका मिल जाएगा उस औरत से मिलने का। फिर हम ध्रुव जी को जैसे तैसे मनाकर होटल में लेकर जाएंगे, ध्रुव जी के सामने दीदी का पर्दाफाश करेंगे। ध्रुव जी, कहाँ जा रहे हो आप? छोड़ेंगे हम धानी को, उसकी हिम्मत कैसे इतना घटिया इल्जाम लगाने की हम पर? हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे धानी हमारे बारे में इतना घटिया सोचेगी, और आज उसकी नीचता का हर जवाब देंगे आप। ध्रुव जी सुनिए, पहले आप शांत हो जाइए, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, और धानी की बात का प्लीज बुरा मत मानिए। नहीं सृष्टि, हम धानी की किसी भी बात को भूलेंगे नहीं, और ना ही नजरअंदाज करेंगे। आज धानी को हमसे कोई नहीं बचा सकता। थैंक यू सो मच धानी, हमारा काम आसान करने के लिए। आज के बाद से आप दोनों की एक होने की बची कुची उम्मीद भी खत्म। लेकिन कहीं मिली नहीं, घर में ढूंढिया, मंदिर में ढूंढिया, लेकिन फिर है कहां? हेलो, अरे कहां है आप ध्रुव जी, कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, ढूंढ नहीं पा रहे क्या हमें? बस एक बार बता दो धारी कि तुम हो कहां, फिर देखना तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। अरे ऐसे कैसे बता दे, पागल थोड़ी ना है, जलते हुए कोयले में हाथ थोड़ी ना डाल देंगे हम। बहुत गलत कर रही हो तुम धानी। हम गलत कर रहे हैं? गलत तो आप कर रहे हैं ध्रुव जी, गलत किया है आपने, शादी और प्यार में धोखा दिया है आपने। दीदी से शादी कर रहे और हमसे कह रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हमें दोष दे रहे हैं। हमने तो सच्चे मन से शादी निभाई थी, पूरी ईमानदारी से,
लेकिन आपने हमें कसूरवार ठहराया, हमें हमारा पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया। हानी बस एक बार बता दो कि तुम कहाँ हो, फिर उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे। कहाँ ही होंगे ध्रुव जी, लखनऊ में है, ढूंढ लीजिए। मैडम ये आलमबाग किस तरफ है? देखिए ना, रिक्शा वाला हमें कृष्णा नगर उतार दिया, अब हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं। अरे कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, चिंता मत कीजिए, सीधा जाइए, लेफ्ट ले लीजिए, पहुँच जाएंगे। तो तुम कृष्णा नगर में हो धानी? हे भगवान, आज तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता रानी। हानी तुम ये क्या कर रही हो? देखो मैं मानती हूँ ध्रुव को यहाँ बुलाने के लिए तुम्हें उसे गुस्सा दिलाना जरूरी है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम उसका दिल कुछ ज्यादा ही दुखा रही हो? एक बार दीदी का सच सामने आ जाएगा ना, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रहा, चिंता मत कर। वैसे अब अगले पड़ाव की तैयारियां करते हैं।